दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC की नई वेबसाइट पे आप लोग अकाउंट किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सिंपल आपको करना क्या है, गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है IRCTC.co.in। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आप देख सकते हैं, फर्स्ट में ही आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे यूजर नेम टाइप करना है, तो मैं यूजर नेम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम नोट अवेलेबल, यानी कि इस नाम से ऑलरेडी बन चुका है। तो इस तरह से यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम 85 और कर देते हैं। इसके बाद नीचे करते हैं, ये देख सकते हैं यूजर नेम अवेलेबल है, तो इस यूजर नेम से हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड चूज करना है, तो मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करना है। इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, व्हाट इज योर पेट नेम। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, सिंपल मैं फर्स्ट वाले सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आंसर देना है, और मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ मोहन। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, इसके बाद मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। तो मिडिल नेम नहीं डालता हूँ, लास्ट नेम टाइप करता हूँ। इसके बाद को सेलेक्ट कर लेना है, अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है अनमैरिज, मैरिज सेलेक्ट करना है, तो मैं अनमैरिज सेलेक्ट करता हूँ। कंट्री यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको न्यू ईमेल आई टाइप करना है। आपको जब भी अकाउंट बनाना होगा तो यहाँ पे न्यू ईमेल आई डी चाहिए, और आपको न्यू मोबाइल नंबर चाहिए। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है, न्यू मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो IRCTC पे रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू करना है। इसके आपको एड्रेस फिल करना है, जहाँ पर आप रहते हैं, पिन कोड टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे एस या नो का ऑप्शन मिल जाता है, तो यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके करना है, तो देख सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, यानी कि यूजर जो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद इसे हम अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले हम जीमेल ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल पे भी हमारे एक मेल इसी की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यूजर नेम है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मोबाइल लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन का ऑप्शन, साइन इन का ऑप्शन आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यूजर नेम डाल दिया। इसके बाद मैंने जो पासवर्ड सेट किया था, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चर फिल करना है, और साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए, तो वहाँ पर मैं कॉपी किया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने कॉपी नहीं करना, आपको टाइप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, मोबाइल पे एक OTP आएंगे, तो OTP आपको फिल करना होगा, 7296। इसके बाद सबमिट OTP क्लिक करते हैं, तब देख सकते हैं मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हमें ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे ईमेल पे एक OTP आएंगे, OTP हमें फिल करना होगा। देख सकते आ चुका है, नीचे की तरफ करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम कॉपिंग करेंगे और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। इसके बाद सबमिट करना है, तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया, यानी कि अकाउंट हमारा पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है, यानी कि बन चुका है।